हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज का वीडियो है जो वो मेरा ससुराल का ही है, मतलब सासू माँ भी इसमें दिखाई देंगी और जहाँ तक मेरे ससुर जी भी दिखाई देंगे, मेरी नंद भी दिखाई देगी। और हालांकि बात तो किसी ने अच्छे से नहीं की, बट एक कहते हैं ना कि ससुराल में एक हक होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल अपने हक से गई। और ये त्योहार पता ये होता है कि सारी जो बुराइयां रहती है, गिले शिकवे होते हैं, उसको सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं ही बहू हूँ तो मैं चलो चलती जाती हूँ और सासू माँ देखती हूँ कि क्या है। पर ठीक है, ज़्यादा किसी ने ऐसी बात नहीं किया था, पर ठीक है किसी ने कुछ बोला भी नहीं मुझे, मैं तो यही बोलूँगी। और मैंने काम भी किया है, आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाई देगा। जैसे एक बहू का हक होता है ना कि हाँ बहू काम करे, तो मैंने ये देखे सारा खाना भी बनवाया था, मतलब अभी आप आगे आपको बताऊँगी। और अच्छे अच्छे दिन पकवान तो बनते ही हैं। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी रेड कलर की और उसका एक ब्लाउज था। और आगे आपको मेरे ससुर जी भी दिखाई देंगे, तो आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैंने ज़बरदस्ती किसी को फोर्स नहीं किया वीडियो में लाने के लिए। हाँ खुद ज़रूर शूट किया, इसके लिए भी काफ़ी मना किया जा रहा था, पर मैंने कहा नहीं ठीक है मैं अपना वस्त्र लेकर आऊँगी। तो खाने में बने थे बड़े। जब कोई तीज त्यौहार होता है ना अच्छा, तो हमारे यहाँ अक्सर करके बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, तो बड़े बने थे। हालांकि हमने तो मैंने तो दो खाए थे, मेरे हस्बैंड ने एक खाए थे, और हमारे लिए दाल बनी हुई थी, पनीर की सब्ज़ी बनी थी, पर हमने वो नहीं खाई थी, हमारे लिए दाल बनी थी। ये देखिए तो ठीक था, अच्छा भी लगा। और मैंने सोचा कि चलो होली का त्यौहार है और सारे गिले शिकवे, इसमें कहते हैं ना गिले शिकवे दूर करके सारे गले मिलने चाहिए, तो मैंने पैरेलल भी पढ़े थे पापा जी के, मम्मी जी के, देवर तो मेरे वैसे भी कुछ नहीं बोलते, तो त्यौहार के दिन इन सब चीज़ों में तो खैर पढ़ना ही नहीं था ना, कौन क्या बोल रहा कौन क्या नहीं बोल रहा। पर हाँ आपको पता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है मेंटली सपोर्ट की, और त्यौहार के दिन मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे मैं नहीं कह रही कि किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं, मेरे भाइयों का तो पता फ़ोन तक नहीं आया। वो देखो हमारे लिए दाल बनी हुई है राहर की, मेरे भाइयों का फ़ोन तक नहीं आया कि चलो ठीक है तुम नहीं आ रही हो हम आ जा रहे, कैसा कुछ भी चीज़ में कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो एक धक्का लगता है मन में ना, भाई दूज में आया था जब हम वहाँ पे थे, देखो जो चोइथराम में हम थे ट्रांसप्लांट के लिए, तो रक्षाबंधन के दो चार दिन बाद ही हमारा, मतलब रक्षाबंधन बाद में पड़ा था, पहले ही हमारा ट्रांसप्लांट हो गया था, तब भी फ़ोन नहीं आया। वहीं पर हमारी दीपावली हुई थी, भाई दूज में भी हमारा कोई फ़ोन नहीं आया अभी भी। और ऐसा नहीं है कि यही भाई हूँ, पर वो रहता है ना कि मामा के चाचा के कि कोई भी भाई के फ़ोन नहीं आया, तो मेरा तो अब शायद भाई दूज क्या बोले है ना। तो ये देखिए ये बढ़िया बढ़िया से मम्मी बना रही हैं बड़े, है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो में लेके आऊँ। तो यहाँ पे हमारे बड़े बन रहे हैं और अभी मैंने नाश्ता पानी कर लिया है, देवो बाहर बैठा है। और तो फिर चलो ठीक है, आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये देखिए सारे मेरे ये बड़े बन चुके हैं, मतलब मेरे नहीं मम्मी ने बनाए थे, और ये पानी में डालने वाले हैं, और भी ज़्यादा दाल क्वांटिटी में थी, कुछ मेहमान भी आए थे पता है आप लोग, कुछ मेहमानों ने तो इतनी मतलब कोई बात ही नहीं की, तो मैंने भी ज़्यादा वो नहीं करी है ना कि देखिए सबको पसंद नहीं है यूट्यूब में आना मेरा, हाँ देखता लोगों को तो बहुत पसंद ही नहीं है। और ये देखिए गर्मा गर्म बड़े से करिए ना, डिज़ाइनर वाले बड़े हैं, ये देखिए पूड़ियाँ हैं, ये सूखे बड़े हैं नमक वाले, ये पनीर की सब्जी बनी हुई है, ये देखिए हालांकि ये तो ठीक ही है पनीर की सब्जी और ऐसी बनी हुई है, तीज त्यौहार के दिन तो ऐसा खाना बनता ही बनता है ना। और बहुत सी बातें हुई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
बहुत सी बातें हैं। और ये दाल है जो हमारे लिए है, हम तो सब्जी खाने, मैं तो खा लूँगी, मेरे हस्बैंड सब्जी नहीं खा पाएंगे, इतना तेज मिर्च मसाला इसमें दाल देखो खा लो। पता है आप लोगों को, आज ना हमने ये वाली साड़ी पहनी है, रेड वाली, इन्होंने टीका लगा लिया थोड़ा सा ना, वो बात कर लो, बात कर लो। आज तो भाव बढ़े, पता है आप लोग, गुड मॉर्निंग कर लो भैया, हेलो कर लो, हेलो तो बस अभी हमारी गुड मॉर्निंग हुई है और अभी हम ब्रश करेंगे तो बाबू को भी कराएंगे, है ना बाबू, ब्रश कैसे करते हैं? ठीक है आपको करा देते हैं। फिर भाई दूज का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, फिर हम और बाबू को मैं ब्रश करा रही थी, हालांकि वो ब्रश करता नहीं, ज़्यादातर वो खा जाता है, पर कोशिश करती हूँ उसको सारी चीज़ें करूँ, है ना, जो भी रूटीन में आती है तो उसकी हैबिट में आएगा। और वो ज़्यादातर पानी, देखिए उसने थूका नहीं ना, मतलब टक लिया, तो बच्चे लोग तो ऐसे ही करते हैं, ना समझ रहते हैं, पर धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बताऊँ तो हस्बैंड भी को भी थोड़ा सा अच्छा लगा वहाँ जाके, है ना, कि चलो ठीक है कोई नहीं करा, पर हम छोटे हैं ना, बड़ों के सामने हमें झुकना ही चाहिए, ठीक है। उन्होंने हमें उस समय नहीं पूछा, नहीं किया, पर हम गए तो ठीक, अच्छे से बिहेवियर की, अच्छे से बातें की, और इतना कोई किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, तो मैंने भी कोई ज़्यादा वो नहीं किया कि कुछ मुझे बोलना चाहिए, पुरानी बातों को खाने से कोई मतलब नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है, देखो अभी तक सो रहे हैं और अभी बज रहा है 7, फिर भी इतनी ज़्यादा कड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है यार, ये सो रहा है, सो गया, उठ गए, सो ही रहे हो, हाँ सो ही रहे हैं, बोल भी रहा है, मैं सो रहा हूँ और पता नहीं चल रहा। आप चलो, आप बॉर्न बीटा पियोगे, हैं बॉर्न बीटा? कैसे आपने कल होली खेली? अच्छा पापा का नाम क्या है? दीपक। आ मम्मा का नाम आरती। बोलो कल हमारा ना देवू घूम जाता, सच में इसकी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कैसे घूम जाता और पता नहीं क्या हाल होता हो, तो चलो फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय वाय पी के, सुबह सुबह का टाइम चाय पी लूँ वरना एनर्जी नहीं आएगी, कल ठीक है पर कर लूँगी इसलिए बाद में मिलूँगी। वीडियो भी हम वहीं पे एंड करते हैं, आज का वीडियो आपको ससुराल का कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस एक मेरी तरफ से कोशिश थी, आप कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, मेरी तरफ से एक कोशिश की थी कि शायद मैं चलो बोल के देखती हूँ, और मेरा फ़र्ज था क्योंकि मैं बहू थी, है ना, और हर मतलब जब बड़े कुछ बोलते हैं तो छोटों को ही झुकना पड़ता है ना, तो ये जो होली का माहौल था इसमें सारे गिले शिकवे मुझे उम्मीद है कि सारे दूर हो गए।